अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेखर अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। केसीआर एक इंतहाई मक्कार सियासतदान, तोता चश्मा और झूठा आदमी है, इस पर भरोसा मत करो, होशियार हो जाओ। बल्कि तेलंगाना के हर मर्द और औरत मुसलमान से मैं मुखातिब हूँ कि उठो, उनका साथ दो, इन लोगों के हाथों को मजबूत करो जो बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, इन लोगों को मजबूत करो। मैं पूछना चाहता हूँ डायरेक्ट तुमसे, क्या तुम एक झूठे को वोट डालोगे? मैं पूछना चाहता हूँ तुम सबसे, क्या उसको वोट डालोगे जो मुसलमानों को आलेर में गोली मार दिया? मैं पूछना चाहता हूँ तुम लोगों से, क्या 40 मदरसे बंद करने वालों को तुम वोट डालोगे? 40 कॉलेजेस को बंद करने वाले को वोट डालोगे? मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, मस्जिदों को शहीद करने वालों को तुम वोट डालोगे? गुज़िश्ता 10 साल हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए एक इंतहाई सख्त से सख्त दौर गुजरा है और गुजर रहा है। बहरहाल ये बात याद रखिए कि ये सरकार चाहे दिल्ली की हो या हैदराबाद की, ये गरीबों की अखलियतों की सरकार नहीं। इस सरकार का एक मखसूस एजेंडा है, वो आपस में झगड़ा कराओ और जो बिजनेस कम्युनिटी इनके साथ शामिल है उनका फायदा करो, ये है ना हकीकत। फिर जब जयशंकर प्रोफेसर ने इस मसले को उठाया तेलंगाना के, तो उसमें मैं शामिल हुआ और आजानी जयशंकर के साथ जब केसीआर ने इस चीज़ को समझा और इसकी सियासी बागडोर अपने हाथ में ली, तो हम भी शामिल हुए, 12 साल उनके साथ काम किया है। दूसरे मानों में शायद केसीआर को मुझसे ज़्यादा बहुत कम लोग जानते हैं। 12 साल मैंने टीआरएस के लिए वोट मांगते हुए तेलंगाना के सारे तेलंगाना का दौरा 2 वक्त हेलीकॉप्टर में किया, और उस वक्त मुकामी मुसलमानों की जमात तेलंगाना के ख़िलाफ़ थी, लेकिन मैं वो शख्स था जो तन्हा 2 वक्त सारे तेलंगाना का दौरा किया और मुसलमानों को इस बात से कन्विंस किया। मेरे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, मैं कोई कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मैं कोई जाति फ़ायदे के लिए यहाँ पर नहीं आया है। अल्लाह की कसम, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और हमारे मुस्तकबिल के लिए आया। अब सुन लीजिएगा, ये जो इलेक्शन हो रहा है इसके 2 फरीक हैं, सिर्फ 2, ये बात गौर से सुनिए, चाहे मेरे मुसलमान भाई बहन हो या मेरे हिंदू भाई बहन हो, खुला ये बात बोलना चाहता हूँ कि इसके 2 ही फरीक हैं, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरे तरफ बीजेपी और बीआरएस। बीजेपी और बीआरएस एक ही चीज़ का नाम है, धोखा ना खाएं, यहाँ पर धोखा ना खाएं, क्योंकि ये हकीकत है और हकीकत थी कि बग़ैर मुसलमानों के तेलंगाना बनना मुश्किल था। इसमें कोई शक नहीं कि 12 साल के तवील अरसे में प्रोफेसर जयशंकर के साथ हम लोग थे और केसीआर ने काफ़ी काम किया है, जो काम किया है वो काम किया है, ईमानदारी से मैं कहूँगा, झूठ नहीं कहूँगा। उसके बाद हालात बदले, केसीआर ने कई लोगों से कई वादे किए, मुसलमानों से भी वादे किया। अब सुनिएगा, नंबर एक वायदा 12% रिजर्वेशन, सुनिएगा। नंबर 2 वायदा हमारे तालीमी इदारों को बरकरार रखने का और उनको फ़रोग देने का। नंबर 3, अब फेहरिस्त बढ़ते जाती है, ऐसे 40 वायदे किए गए, जैसे मामूली बातें भी थी, KBR पाक का नाम बदलकर मैं आसिफ जहाँ पाक रख दूंगा, इस्लामिक एकेडमी बनवा दूंगा, जहांगीर पीर की दरगाह के अंदर जो ज़मीन है उसको डेवलप कर दूंगा
और एक वहाँ पर बेहतरीन एक 100 एकड़ के ऊपर कंप्लीट कॉम्प्लेक्स बना दूंगा, अजमेर में रुबात बना दूंगा। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा सीरियस वादा उन्होंने किया वो ये वादा था कि मैं मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी दूंगा। और ये बात मैं खुलेआम कह रहा हूँ, कई और जलसों में कहा है कि केसीआर साहब अगर मैं गलत हूँ तो आप गीता ले लीजिए, मैं कुरान ले लेता हूँ। लेकिन ये शख्स इनमें से एक वादा भी पूरा नहीं किया, एक। और यह हुकूमत आप सुन लीजिए भाइयों, यह हुकूमत सिर्फ 5 लोग के लिए है, केसीआर, केटीआर, कविता, हरीश राव और संतोष। इसके अलावा कोई हुकूमत किसी के काम की नहीं है, यह सुन लीजिए आप, गलतफहमियों को दूर कर लीजिए आप। हुकूमत जैसी ही केसीआर की आई, टीआरएस गवर्नमेंट बनी, चंद दिनों में ही आलेर एनकाउंटर हुआ जहां 5 मुस्लिम बच्चों को जिनके हाथ और पांव जंजीर में बंधे हुए थे, जो पुलिस की वैन में थे, गोली मार के हलाल कर दिया गया, इन 5 को ख़त्म किया गया, शहीद किया गया। दूसरा इकदाम, मुसलमानों के 40 कॉलेजेस को बंद किया, ना सिर्फ मुसलमानों के बल्कि हिंदुओं के भी कई डजन कॉलेजेस बंद किया। मैंने टेलीफोन से बात किया, तो मुझको कहा कि कौन से कॉलेजेस हैं, मुझे नाम दे दो, मैंने नाम दिया। उसके बाद मैं जब यूनिवर्सिटी से दरियाफ्त किया तो पता चला कि केसीआर का हुक्म आ गया कि सारे कॉलेजेस को ख़त्म कर दो। अब मक्कारी और झूठ, ये नज़ीर आपके सामने। दोस्तों भाइयों, कई वादे किए गए, डबल बेडरूम, किसान के खर्चों को माफ़ करना, और ये कहाँ तक कामयाब हुए आप जानते हैं। इस पर मैं ज़्यादा रोशनी डालना नहीं चाहता। अब बात ये रही कि मैं खुद अब इस वक्त कांग्रेस के कई जिम्मेदारों से मैं गुफ्तगू में लगा हुआ हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ तक मुसलमान हैं, हम गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, तबके में सबसे ज़्यादा गरीब हम हैं, हमारा हक दिया जाए। वो हक क्या है, क्लियरली सुन, साफ साफ कि अगर आप 100 घर बांट रहे हैं तो उसमें से 10 घर मुसलमानों के लिए दे दो। अगर 2,500 रुपये 100 औरतों में बांट रहे हो तो 10 मुसलमान औरतों को भी दे दो। अगर आप 4,000 रुपये पेंशन दे रहे हैं तो हमको, हमारे भी 10 आदमियों को दे दो। अगर 100, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अलग चीज़ कोई दो। मैं जानता हूँ सियासी खलाबंदी क्या होती है, मैं डायरेक्ट साफ साफ बात, वो जो आपको जिससे फ़ायदा हो, यहाँ बैठे कई कई गरीब हिंदू और मुसलमान बैठे हैं, तो हमें, मैं ये साफ बात कर रहा हूँ, मैंने कहा ये बात रेवंत रेड्डी से कहा, उनसे भी कहा, आप गवाह है, आपके सामने कहा कि भाई आपको देना ही होगा, 10% देना ही होगा, हम गरीब हैं। और एक अहम चीज़ केसीआर ने जो किया, गरीब मुसलमान बच्चों के जो स्कॉलरशिप थे वो बंद कर दिया। लोगों ये बात याद रहे कि इन सारे वादों, एक वादा भी आज तक पूरा नहीं किया गया। सुनते जाइए, इसकी दौरान हुकूमत में आज तक नहीं हुआ, खुली कुतुब शाह से लेके आज तक। इस दखन के अंदर ना कोई मंदिर टूटी, ना कोई मस्जिद टूटी। इस शख्स ने 8 मस्जिदों को शहीद किया। अब ये बात के केसीआर और बीजेपी एक है, सुनो ये बात, केसीआर ने खुले आम हमारे को धोखा देते हुए उस बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं डाला बल्कि वॉकआउट किया। ये एक डीलिंग थी अंडर हैंड।
ट्रिपल तलाक के मामले में भी सेम हरकत हुई, नोटबंदी के मामले में भी सेम हरकत हुई, संजय सिंह जेल में चला गया, अरविंद केजरीवाल की पुरसिश हो रही है, आप और दूसरे जो है ना सिसोदिया जाकर अंदर चला गया, लेकिन कविता बाहर है। उसने कहा कि इसकी वजह से मैं छोड़ा, क्योंकि दोनों एक हैं, दोनों एक हैं, ये दोनों एक हैं, बीजेपी और बीआरएस। यहाँ के बाद जिम्मेदार इसलिए बीआरएस की तरफ मायल है क्या क्या एमएलए इनको कब्रिस्तान की ज़मीन दिलाया है। लोगों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे हम मज़हब लोगों, ये कोई तुम पे एहसान नहीं किया, तुम्हारे असलाफ की 76,000 एकड़ ज़मीन वक्फ की गई थी, 76,000 एकड़। अगर ये ज़मीन तुमको दे दी जाए, खुदा की कसम तेलंगाना में एक भी मुसलमान बगैर घर के नहीं रह सकता। कब्रिस्तान एक ज़रूरी चीज़ है, हमारी औकाफ की जायदाद जितनी खाए हो उसमें से क्या दिया आपने, क्या दिया है? इन सारे वाक़यात का, आज के इलेक्शन का याद रखो, तुम्हारी और मेरी कौम तुम पर और मुझ पर इंतहाई सीरियस इसके अंजाम थे, मत भूलो ये बात। आज से 3 महीने के बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन है, अगर तेलंगाना के अंदर रुकती है बीजेपी और बीआरएस तो राज्यसभा में इसकी मेजॉरिटी नहीं आ सकती, और कोई बिल जो मुसलमानों के खिलाफ है पार्लियामेंट में पास नहीं हो सकता। सोचो, कान खोल के सोचो, उदारा नींद से उठो, गफलत छोड़ो, उन झूठों की और कमजरफों की बातों को मत अपनाओ, निकलो बाहर, वोट डालो। जिस वोट डालने के दिन अगर तुम 100 हो तो 100 वोट पड़ना चाहिए, अपने हक की मुफादियत के लिए बाहर आओ, निकलो, पहचानो दोस्त और दुश्मन को, पहचानो, खुदा के लिए उठो, ये तय कर लो कि इस शख्स को यहाँ रोकना है, इसके ये खानदान के 5 अफराद को बहुत हो चुका है, यहाँ रोकना है। बल्कि मैं ये बात कहूँ तो गलत ना होगी कि सारे तेलंगाना के अवाम की जो दौलत है वो एक तरफ और इन 5 की दौलत एक तरफ। एक ईमानदार भाई होने के नाते, एक ईमानदार तुम्हारा बुजुर्ग होने के नाते अल्लाह को गवाह रख के कहता हूँ, मैंने तुम्हारे सामने हकीकत बयान की है। ये मौका है इस गिलाजत को लकीर खींचने का, ये मौका है मंदिरों को, मस्जिदों को शहीद करने वालों के हटाने का, ये मौका है उनको जो तुम्हारे और हमारे साथियों को, हमारे बच्चों को उस गोली मारा है उनको हटाने का। मस्जिदें पुकार रही हैं, इन बदशोजा का खून ललकार रहा है। दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, इस बात का तहिया कर लो कि इस जलील को, इस गलाजत को हम नहीं अपनाएंगे, हम अब उन लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे जो असेंबली में और पार्लियामेंट में हमारे हकूक़ की हिफाजत कर। अगर केसीआर निवाला खा रहा है तो तुम्हारा खा रहा है, अगर केटीआर निवाला खा रहा है तो तुम्हारा खा रहा है, अगर हरीश राव निवाला खा रहा है तो तुम्हारा खा रहा है, अगर कविता निवाला खा रही है तो तुम्हारे खा रही है। ये याद रखो, अगर संतोष खा रहा है तो सिर्फ तुम्हारा खा रहा है, ये अपना हक है, ये हक है। तुमको क्या दिया जा रहा है और वो क्या खा रहे हैं, तुम कहाँ रहते हो और वो कहाँ रहते हैं। इनका साथ देने की इसलिए अपील कर रहा हूँ कि इसमें तुम्हारा मेरा फायदा है। हर वोट बीआरएस का, ये तेलंगाना के हर आवाम से, हर एक बच्चे बच्चे से मैं मुखातिब हूँ, एक तेलंगाना के एक एक बच्चे बच्चे से, एक एक मुसलमान बच्चे बच्चे से, चाहे औरत हो या मर्द हो, उसे मुखातिब हूँ कि हर वो वोट जो बीआरएस को जाएगा बेशक वो वोट बीजेपी को जाएगा। गलत फहमी को दूर कर लो, ये दोनों एक हैं, नाम बदले हुए हैं। जब तक तेलंगाना के नाम की ज़रूरत थी तो टीआरएस थी, जब तेलंगाना की नाम की जरूरत नहीं रही तो बीआरएस बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुकद्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स।
जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फखरे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।